हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ डे 4। हमने कल बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और आज भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। पहले हम स्पीड बोट से जाने वाले एक आइलैंड पे और वहाँ पे पैरासेलिंग, ट्यूब राइडर एंड सी वॉक भी है। तो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। लेट्स होप कि आज बारिश ना हो। व्हाट डू यू से अंजलि? नहीं होनी चाहिए बिकॉज कल पूरे दिन भीग गए। हमने एक्टिविटीज़ की बट इतना मज़ा नहीं आया जितना लगता है कि सनी डे में वहाँ पे आता। तो लेट्स होप कि आज पूरा सनी डे रहे और हम आराम से सब एक्टिविटीज़ कर पाए और आपको सबसे अच्छा वीडियो मिले। आज हमें आइल ऑफ सर्फ आइलैंड पे जाना था। 8:20 का पिकअप था, अभी 9:10 हो रहा है, अभी तक हमारी कैब आई नहीं है। सो वी आर वेटिंग। से हमें लेनी है स्पीड बोट पे जाने के लिए। वैसे किसी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिए वगैरह आए किसी भी वाटर एक्टिविटी करने के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आए अपना, क्योंकि यहाँ से हमने 1500 मॉरिशियन रुपीज़ में 2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिए। अभी तो वेदर काफ़ी सनी है, सो लेट्स होप कि ये सनी रहे पूरे दिन, तो एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो फाइनली गाइज वी बुकड एवरीथिंग। अंडर वाटर सी वॉक है, पैरासाइलिंग है और वाटरफॉल राइड भी है। 3 राइड हमने बुक किए 7,400 मॉरिशियन रुपीज़ में। आई गेस वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है लेना, तो हमने फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। तो अगर वीडियोस वहाँ पे अलाउड नहीं होगा बनाना तो हम लोग फ़ोटोग्राफ्स रख देंगे वीडियो में। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। Too much current. Yeah. I don't know what I'm going to do. I'm going to वाटर राइड अच्छा था, मज़ा आया मछलियों के बीच जाने का। बट क्लियर पे क्रश हो गई थी और अंजलि थोड़ा पैनिक हो गई थी। हालांकि मैंने कुछ नहीं देखा, लिटरली आई एम सो स्कैर्ड। पर टाइम बहुत कम है, मतलब एक्टिविटीज पर एक्टिविटीज़ अच्छी है, फन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो स्पीड बोट में ये ब्लू कलर का पानी देखने का बहुत मस्त है, बहुत ही ऑसम है। ऐसा लग रहा है कि और आगे किसी और दुनिया में इतना ब्लू पानी है गाइस, जस्ट लुक एट इट। Which beach is Île aux Cerfs Island. Île aux Cerfs. Okay. It's another island. Okay. You have water passing in the middle, okay. But the water it's deep water. Okay. So it's better for you to stay inside here. Okay. You will have more water in a few, but here you can walk everywhere. Okay. On the other side, you're gonna find the long beach. Long beach is beautiful, but you have to be a bit careful because there is no limited swimming area, no lifeguards. You're on your own. Okay. There is no many boats. It's not dangerous, but you get a lot of sea urchins over there. Okay. You know the black ball with the things on. Oh, yeah. Yes. You walk on, you dance Macarena. So it's better to go there to take picture and here for swimming. So guys, remember one thing, ये island पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे कोई भी activities का आपको कुछ भी बोले तो मना करना है because वो पैसे लेके फिर चले जाएंगे और आपको कहीं मिलेंगे नहीं। हमें भी जो हमारा गाइड था उसने ये बोला था कि वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेगा कि स्पीड बोट में पूरा आइलैंड घुमाएंगे, बट पॉसिबल नहीं है। वो लोग आपके पास से पैसा लेके फिर निकल जाएंगे, सो बी केयरफुल विद दैट। सो अभी इस आइलैंड में हमें निकालने हैं 2 घंटे। यहाँ पे एक मसाला करके इंडियन रेस्टोरेंट है, पर हमारा गाइड बोल रहा है कि इतना अच्छा इंडियन खाना नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम एक इटालियन रेस्टोरेंट है वहाँ पर ट्राई करने वाले फूड। वेज पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो तो फाइनली 1.5 घंटे नहा लिया हम लोगों ने पूरे सी में। आई होप आपने वीडियोस देखे होंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी फॉरेनर्स भी है, 2 रेस्टोरेंट भी है। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं पिज़्ज़ा एंड पास्ताज, देखते हैं कैसा है। और काफ़ी कूल बीच है, मज़ा आ रहा है। क्या बोलो अंजलि, मज़ा है? हाँ मज़ा आ रहा है। नहाया सी में मज़ा है? हाँ अच्छा लगा। डूबते डूबते रह गई पर खुजली हो रही है, पानी में नमक है इसलिए। तो पिज़्ज़ा भी खा लिया और बारिश में सारी एक्टिविटीज़ भी कर ली। पिज़्ज़ा अच्छा था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। सो नाउ इट्स टाइम टू गो होम। अब यहाँ से हमें स्पीड बोट में जाना है दूसरे आइलैंड पे, और वहाँ से हमारी बस है जो हमें हमारे रिसोर्ट ड्रॉप करेगी। सो अंजलि, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, मज़ा आया। मैंने पहली बार पैराग्लाइडिंग की, अंडर वाटर सी वॉक किया। ओके, वो तो मैंने भी पहली बार ही किया था। बट मैंने किया नहीं, मैं डरती थी एक्चुअली। बहुत सारी जगह पे देखा था, मैं किया नहीं था कभी। पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मुझे पैराग्लाइडिंग में बहुत मजा आया। सी वाटर ठीक था, मतलब ओके था फॉर फाइनली गाइज, आफ्टर 2.5 आवर ऑफ ड्राइव फ्रॉम द पोर्ट वी रीच टू अवर रिसोर्ट। कल की तरह आज भी काफ़ी एक्टिक डे था, पूरा रेन हो रहा था और उसमें हम सब ने एक्टिविटीज़ की है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हम तो बहुत ही टायर हो चुके हैं, तो अभी हम फटाफट चेंज करेंगे और डिनर करके सो जाएंगे या फिर थोड़ी देर बाहर बैठ के चिल करेंगे। सो अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो यहाँ तक, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट मॉरिशस का वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। And we'll see you guys in our next video. Have a great day. और आज संडे और यहाँ पे साइक्लोन की वार्निंग है, तो फास्ट टेम्परेचर में जो मैक्सिको दिखाते हैं थोड़ी सी उसकी याद आती है। काफ़ी ज़्यादा मैक्सिको जैसा ही लगता है।